subscribe to Dhiraj Jain YouTube channel for more such magic videos, and also click the bell icon so you never miss any updates related to my videos. So hello guys and welcome back to another new video. So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कार्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा awesome trick लाया हूँ। ये कार्ड ट्रिक जो बताऊंगा मैं आप लोगों को वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा awesome हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी मैजिक रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, लेट्स डू इट। सो गाइज, ये ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको एक नॉर्मल सा डेक लगेगा और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कार्ड लगेगा, जो कि मैं बताता हूँ आपको। सो गाइज, ये है वो एक्स्ट्रा कार्ड जो मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। ये एक सिंगल कार्ड नहीं बल्कि एक डबल बैक कार्ड है, जिसके अंदर दोनों तरफ एक ही कार्ड लगा हुआ है। आप इसे बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बना सकते हो घर पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह बना सकते हो आप, ठीक है। आपको क्या कुछ करना नहीं है, आपको ये दो कार्ड लेने सेम डेक के, और यहाँ पे ऐसा ग्लू लगा के बीच में चिपका सकते हो आप, और आपका डबल पैक कार्ड। सो गाइस, जब आप ट्रिक स्टार्ट करने वाले रहोगे तभी आपको एक चीज़ करनी है, ये जो डबल पैक कार्ड है आप लोग को स्पेक्टेटर से छुपा के आपको अपने कोई भी एक पॉकेट में रख लेना है, ठीक है। ये मैंने एक पॉकेट में रख लिया है। सो गाइस, आप कोई भी कार्ड कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने कार्ड को टॉप पे लेके आ सकते हो, ठीक है। जो मैंने कार्ड कंट्रोल यूज़ किया था वो कुछ इस तरह का था। समझो स्पेक्टेटर का कार्ड था सेवन ऑफ स्पेड, और मैंने उन्हें दिखा रहा था कि सेवन ऑफ स्पेड देख लो आपका ये जो कार्ड है, उन्हें दे दिया था मैंने। और जब भी मैं पीछे क्या कर रहा था, अपने डेक का जो फर्स्ट कार्ड है ना उसे मैं सब फ्लिप कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे सब ब्रेक ले लिया था मैंने, पिंकी ब्रेक, ठीक है। और इस तरह मैंने रखा था, उन्हें दिखना नहीं चाहिए कि आपने इस तरह किया है। तो आपको इस तरह कुछ रखना है, ठीक है। इस तरह पहले दिखाना, आप ये देख लो आपका कार्ड, और आप पीछे जाके इसे अपने शर्ट की वजह से इसे फ्लिप कर सकते हो। और फिर आपने जैसे बोला देख लिया आपने कार्ड तो दिखाओ, फिर आप लोगों को इसे इस तरह नहीं करना है, आपको पहले ही ये कार्ड रखना है नीचे, ठीक है। कार्ड नीचे रखा और आपको दिखाना है कि ये है, और ये डबल लिफ्ट रहेगी आपकी। आप दिखा सकते हो ये कार्ड है आपका, अब मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कार्ड जो कि स्पेक्टेटर का कार्ड है नहीं, स्पेक्टेटर का कार्ड ये रहा सेकंड पे, बोलना यार आपका कार्ड, ये कार्ड मैंने डाल दिया अंदर, ठीक है। अब उन्हें लगेगा कि उनका कार्ड जो है। फिर आपको क्या करना है, स्पेक्टेटर का बाद में बोल सकते हो आप कि आपका कार्ड जो है पूरे डेक में कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ वो कार्ड मेरे जेब में रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपके हाथ लेना है और पॉकेट में डाल के वो कार्ड को बाहर निकालना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये फ्लैश ना कर दो कि ये डबल बैक कार्ड है, ठीक है। आपको इस तरह यहाँ से निकालना है और यहाँ ऊपर ला के रख देना है, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, आपने ला के रख दिया डबल बैक कार्ड ऊपर, और अभी भी मालूम है कि स्पेक्टेटर का कार्ड आपका सेकंड कार्ड है यहाँ ऊपर से। फिर आपको करना है डबल लिफ्ट, ठीक है। डबल लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप दो कार्ड साथ में उठाओगे, फिर आपको जब डबल लिफ्ट करोगे तो आपको ये कार्ड छोड़ देना है, क्योंकि ये डबल बैक कार्ड है। तो ये दोनों तरफ आप रखो, किससे कैसे भी रखो, इसे स्पेक्टेटर को समझेगा नहीं कि ये डबल बैक कार्ड है, ठीक है। और आप बाद में इसे कार्ड दे सकते हो स्पेक्टेटर को कि देखो